धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है एक ऐसी हस्ती जो सूरत के लिए, मतलब ऐसा कहा जाता है कि एरोबिक्स और जिस तरह से वो इसका किड्स फिट की फाउंडर है, सिरीन सेंसाई अली चांदा भाई। सिरीन जी, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, थैंक यू। ये विश्व महिला दिन अंतर्गत ये हमारा शो है, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और डी खुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, और एक्जोटिक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिरीन जी से हम बात करते हैं। सिरीन जी जो है वो है को फाउंडर एरोबेस द हेल्दी वर्ल्ड, को फाउंडर इसका किड्स फिट, और वो एक सर्टिफाइड मार्शल आर्ट्स एंड एरोबिक्स की इंस्ट्रक्टर भी है एंड कोच भी है। साथ में वो एरोबिक्स एंड ट्रेनिंग भी देती है, इंस्ट्रक्टर्स है, और साथ में सर्टिफाइड उनके कोर्सेज भी होते हैं। और जिस तरह से बात कही जाए कि ये लड़कियों के लिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्सेज है, वो सिरीन जी काफ़ी जगह पे करवाती भी है। और वो क्या क्या करती है आज हम उन्हीं से ही जानते हैं कि एग्जैक्टली ये ट्रेनिंग क्या है, किस तरह से वो करवाती है, किसको करवाती है, और उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की। तो सिरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस शो में आने के लिए। और सबसे पहले मैं बात करेंगे हम कि आपकी ये जो आपने को फाउंडर है, आप कई कई दो तीन जगह पे है आपको फाउंडर, लेकिन आपने ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कैसे, किस तरह से ली और कौन से ईयर में ली आपने? हाँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए जी। और आपने ये एक सेटअप जो बनाया है, लोग इससे मोटिवेशन मिलेगा, लड़कियों को ख़ास तौर पे। सो आपने मुझे पूछा है कि किस तरह से मैंने इसकी शुरुआत की जी। तो इसकी शुरुआत के पीछे हर एक कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, एक सक्सेसफुल औरत के पीछे उसका हस्बैंड है जी। सो माय हस्बैंड वो 30 साल से इस फील्ड में एक्टिव है, और उन्होंने 4 डिग्री मार्शल आर्ट, उन्होंने 4 डिग्री ब्लैक बेल्ट है वो, और उनके एक मोटिवेशन से मैं इस फील्ड में आई। और पहले मेरी फील्ड कुछ अलग थी जी। मैं एक टीचर के तौर पे काम करती थी एसडीजेएन स्कूल में, शुरुआत की मदरसा तैयबिया से। और जब मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट, जब उन्होंने मुझे किया कि जब आज मेरे अंडर, जब उनके अंडर 25,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रेन होते हैं, तो व्हाई कांट यू स्टार्ट दिस। सो मैंने उनके मोटिवेशन पे मैंने मेरी ये सफ़र शुरू किया जी। और मैं आज एक सक्सेसफुल मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ, और मैं लड़कियों को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, जैसे सेल्फ डिफेंस है, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये कोर्स ही हो जाना चाहिए जो एक स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए जी। जी जी, लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से लड़कियों को ये आप सिखाती है, लेकिन आपकी कम्युनिटी में मेरे ख्याल से ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी, तो वो आपने कैसे फिर सॉल्व किया? मेरी कम्युनिटी वैसे बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है जी। तो जैसे ही हम, हमारी हर एक कम्युनिटी की बात है, जब हम हमारी सीमा नहीं लांघते
फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वहाँ कम्युनिटी कुछ नहीं करती जहाँ पे आप अपनी लिमिट समझते हैं और हमारी मर्यादा में रह के अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो सभी अच्छा है, सब कम्युनिटी के लिए अच्छा जी, है। जी जी, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जनरेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और जहाँ लड़कियों की बात करें, मतलब एक वुमन्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही वो आगे है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर भी रही है कि जिस तरह से वो कहीं समाज में अपना नाम कमाए और समाज में कुछ कर सके। ऐसी आज बहुत, मतलब टेक्नोलॉजी जिस तरह से आपने बताया उस तरह से बढ़ रही है। तो आगे सर के बात करते हैं, तो आपने ये मास्टर की ट्रेनिंग तो जैसे जिस तरह से ली है और आप अभी फ़िलहाल आप सर्टिफाइड कोर्स करवा रही है जी, लेकिन ये आप कहाँ कहाँ करवा रही है, कौन सी जगह पे आप करवा रही है, अभी तक आपने कितनी मतलब लड़कियों को ये मार्शल आर्ट सिखाया है? मार्शल आर्ट के हमारे टोटल हमने जब स्टार्ट किया तो सूरत में स्कूल बेस पे कोई एक्टिविटी कहीं पे होती ही नहीं थी। लांसर्स आर्मी ऐसी पहली स्कूल थी जहाँ पे एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई और जो एक्टिविटीज़ करवाने वाले थे वो इंस्टीट्यूशन हमारी थी। सो स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज़ करवाने वाली इंस्टीट्यूशन हमारी ही सबसे पहली थी। और मार्शल आर्ट को लेके जैसे हमारा ट्रेडिशनल शोटोकन कराटे स्टाइल है, सो ये हमारा इसका जो नाम है ना ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शोटोकन कराटे कोडोकाई एसोसिएशन। सो ये जैपनीज एक फॉर्म है और इंटरनेशनल फॉर्म है जी। तो हमारा जो हेडक्वार्टर है वो केरला में है और ये सर्टिफाइड कोर्स है। मतलब आप कहीं से, जैसे आजकल होता है कि भाई ये भी ट्रेनर है वो भी ट्रेनर है, लेकिन कहाँ से हो, कौन सी इंस्टीट्यूशन से हो, वो बहुत महत्व रखता है। सो हमारा इंस्टीट्यूशन एक पारंपरिक कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल ऐसा इंस्टीट्यूशन है। और इसकी जो ट्रेनिंग हमको देनी पड़ती है उसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं। जैसे आपको मालूम है व्हाइट से ब्लैक बेल्ट सब जानते हैं, लेकिन ब्लैक बेल्ट तक पहुँचना कैसे है वो सफ़र थोड़ा लंबा होता है। तो वो भी बताइए कि किस तरह से पहुँचा जाए। सो जैसे अगर एक बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आता है तो 5 साल के ऊपर की उम्र का बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग ले सकता है, फिर तो उम्र की कोई मर्यादा रहती नहीं है। जी, तो जी, पहले वो वाइट बेल्ट पे होगा, उसके बाद उसका ग्रेडिंग एग्जाम होगा, उसके बाद फिर उसके बेल्ट्स के कलर बदलते जाते हैं, येलो, येलो से ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, फिर ब्राउन के 3 पोर्शंस और उसके बाद ब्लैक बेल्ट, प्री ब्लैक बेल्ट और उसके बाद ब्लैक बेल्ट। तो इतना लंबा सफर होता है। सो ये सफर तो लंबा होता है लेकिन वो कितने मंथ का सफर होता है। हाँ, ये जब स्टार्टिंग में हम आप ये समझ लीजिए कि अगर हम वो दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो 4 महीने भी में भी एक बेल्ट पास कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको 6 महीने लगते हैं एक बेल्ट पास करते हैं। सो समय, परिश्रम सब कुछ लगता है लेकिन उसका नतीजा अच्छा होता है। अच्छा होता है जी जी। तो ये तो आपने बात की कि ट्रेनिंग आपने कहाँ से शुरू की थी और किस तरह से आप करवाती है वो बात हमने की, लेकिन अभी फ़िलहाल आप कहाँ कहाँ पे ये ट्रेनिंग करवा रही है और किस तरह के, मतलब लड़कियाँ कितनी आती है आपके यहाँ? जैसे कितनी सारी स्कूल्स हमारे अंदर इन्वॉल्व हैं, लगभग सूरत की 30 स्कूलें हैं, ऐसी नामवर स्कूलें हैं जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और हम वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स भेजते हैं जो सर्टिफाइड हैं ऑलरेडी। उसके अलावा हमारा पर्सनल एक सेंटर है, इसका होमबू एक्टिविटी हब, वो नानपुरा में है, भाया मोहल्ला में, श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ पे हम वेरियस तरीके की ट्रेनिंग्स, ये जो कराटे की है वो तो देते ही हैं, उसके अलावा एरोबिक्स की जो मैं अपने जो बताया कि सर्टिफाइड ट्रेनिंग करते हैं तो वो मैं पर्सनल करवाती हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट की जो कॉलेज है कतारगाम वगैरह में, वहाँ पे भी जितने भी बच्चे हैं जो लड़कियाँ फिजियोथेरेपी सीखती हैं वो भी हमारे पास से आके सर्टिफाइड कोर्स करके जाती हैं। सो हमारा कहते हैं ना वो स्तर थोड़ा बड़ा है लेकिन हर जगह पहुंचने के लिए हमारे पास हाथ भी इतने हैं। सो टीम वर्क ऑलवेज स्पीक्स, हमारी टीम भी इतनी मजबूत है। जी जी जी। तो इसके लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी क्योंकि कहीं जगह पर ऐसा होता है कि कई लोग सीखना चाहते हैं जी, बट कई लोग पैसों की वजह से भी नहीं सीख रहे, क्योंकि आजकल जहाँ पे भी जाओ फीस होती है। तो आपके यहाँ किस तरह से, मतलब फीस, मतलब किस तरह से कोर्सेज के चार्जेस हैं? जी, हमारे यहाँ चार्जेस वैसे नॉमिनल रखते हैं, जैसे महीने के 800 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक। और हम जानते हैं कि हम जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके उनको बहुत फ़ायदा करने वाला है, बच्चों को हो या लड़कियाँ हो या
कोई भी हो उनको फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर वो सीख ही नहीं पाएंगे तो फिर ना उनको फ़ायदा है, ना देश को फ़ायदा है, ना किसी और को फ़ायदा है। सो बहुत नॉमिनल कॉस्ट से हम शुरू करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस नॉमिनल कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और ये सीखें। जी जी जी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप जिस तरह से सिखा रही है, और अभी की जो अभी का जो माहौल है, लास्ट में मानती हूँ कि 5 ईयर्स से इतने केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ लड़की अगर ये सीखती नहीं है, या तो लड़की में अगर ऐसा सीखने के लिए मतलब जिस तरह से ट्रेनिंग देने की हम कोशिश करते हैं, अगर उनको सही ट्रेनिंग मिलती है तो वो अपने आप को बचा सकती है। जी बेशक, ऐसा होगा ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरह का मैं देख रही हूँ हम मीडिया में है तो हमें पता है कि लास्ट 5 ईयर्स में ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और बहुत कुछ मतलब वो घुमा रही है बहुत कुछ। हाँ, तो इसमें जिस तरह से आपने बोला कि एरोबिक्स की ट्रेनिंग आप देते हो, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जो देते हैं, तो इसमें पर डे की कितने आवर्स की वो ट्रेनिंग होती है, और जिस तरह से कोर्सेज कितने ईयर का होता है? ओके, पहले तो आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि लड़कियों के लिए सेफ्टी के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना, देखो अपने आप की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी है, जबकि अपने आप को निर्भर करने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मतलब कराटे की ट्रेनिंग और एरोबिक्स की ट्रेनिंग वो सेल्फ निर्भर करने के लिए है, क्योंकि एरोबिक्स और कराटे में एक वास्ट डिफरेंस है। कराटे जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपने आप को वो सीख के बचा सकते हैं, उसके अलावा हम हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर वाले, रिश्तेदार, घर में आसपास कहीं कुछ ऐसी कोई बनाव बन गए जिसमें हम वो स्टैंड ले सकते हैं वो सीख के। जबकि हम एरोबिक्स की ट्रेनिंग क्यों करते हैं कि हम अपने आप को इतना हेल्दी तो रख ही सके कि जिससे हम दूसरे कामकाज करने में हमें आसानी हो, बड़ी एज में जाके हम ऐसे ना हो जाए कि हम कोई के सहारे किसी के सहारे हमको चलना पड़े। तो एरोबिक्स की ट्रेनिंग हम इसलिए लेते हैं। सो एरोबिक्स की ट्रेनिंग से आत्मनिर्भर होना मतलब कमाने के लिए ये सोर्स भी बहुत अच्छा है। यही नहीं है कि पढ़ लिया तो बस टीचर बने, इंजीनियर बने या कोई डॉक्टर बने, नहीं, आप इस फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और इसमें करियर बनाना बहुत मतलब आसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं दर्शक मित्र, तो ये ऐसी मतलब बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ सूरत में भी दी जाती है। तो इस तरह से अगर ऐसे सिखाने वाले लोग हैं तो सर्टिफाइड, वो भी सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ सिखा रही है, तो ज़रूर इनकी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी की जनरेशन तो ठीक है, लेकिन इसकी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद ये रहेगी। और बहुत अच्छी बात कही आपने सिरीन जी की, आप जिस तरह से सिखा रही है मुझे भी बहुत प्राउड है अपने सूरत के लिए कि आप इतने अच्छे ट्रेनर है विद सर्टिफाइड, आप सबको सिखा रही है, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पैसे जो पैसे लगते हैं वो बहुत नॉमिनल चार्ज है, जहाँ पर आप इतना खर्चा करके आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो और बहुत कुछ कमाई भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारा मतलब शो का जो नाम है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो ये परफेक्ट हमारी आत्मनिर्भर नारी है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो जाते जाते सिरीन जी हम बात करेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं मतलब जो आजकल की यंगस्टर्स लड़कियां हैं जिनके लिए ये बहुत ज़रूरीमंद ये कोशिश है, लेकिन उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इनको ये क्या करना चाहिए उनके आप मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कर सकती है? अब हाँ, बहुत अच्छा है, ये एक मैसेज जाएगा जो हमारी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना ख्याल वो अपनी बॉडी को दिखाने में, सुंदर दिखने में जितना ख्याल रख रही हैं, उतना ख्याल अपने आप की सेफ्टी पे भी अगर वो थोड़ा ध्यान दे दें और ऐसा कुछ सीखें तो जिससे वो अपने आप को तो बचाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ चलने फिरने वाले लोग, उनके फ्रेंड्स, उनका घर, उनके जहाँ पे वो रहती हैं, जहाँ वो खड़ी हैं, वो सारी जगह के को वो सुरक्षित कर सकती हैं ये सीखने के बाद। उसके बाद उसके अंदर से अगर किसी को प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई पैसे ही नहीं होते, सीखे कैसे, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये कला है, ये एक स्किल है,
और कहते हैं कि कला कभी नहीं मरती. बिल्कुल. सो ये मार्शल आर्ट एरोबिक्स ये कला है, एक बार सीख के आ ही जाती है. उसको है. आप जितना फिर उसका ले सकते हो फायदा, उतना आप फायदा ले सकते जी, हो जी, तो जी. ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है. सो मैं सबको पुश ऑन करूंगी, जो भी देख रही हैं लड़कियां लड़के, कि अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना है और इस फील्ड में आके कुछ अच्छा काम करना है तो यू आर मोर देन वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूशन. आप प्लीज आएं और हमसे मिलें. जी जी जी. बहुत अच्छी बात कही है कि आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो एटलीस्ट लड़कियों को मतलब सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ है और मतलब जहाँ तक वो अपने आप को सेफ रख सके, सेफ्टी रख सके, उसके लिए बहुत कुछ ही, मतलब ये जो मार्शल आर्ट्स एंड एरोबिक्स आप सिखा रही है बहुत ही अच्छी बात है. सिरिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आप हमारे शो में आए और हमारे जो शो था विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ. तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हम बहुत सारी ऐसी महिलाओं के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ से. पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा हमारा फेसबुक पेज लाइक, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकॉन ताकि आपको नए नए प्रोग्राम्स की जानकारी तुरंत मिल जाए. और साथ में हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है वो भी फॉलो कर सकते हैं आप और बहुत कुछ नया जान सकते हैं. तो फिर मिलते हैं वापस ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ, जो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ विश्व महिला दिन अंतर्गत इस शो में हम वापस मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार. नमस्कार.